डिस्कस द मीनिंग ऑफ अ रेंट एग्रीमेंट एंड व्हाई इज इट नेसेसरी, और रेंट एग्रीमेंट बनवाने के क्या फ़ायदे हैं एक लैंडलॉर्ड को भी और एक टेनेंट को भी। सो रेंट एग्रीमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ स्पेसिफिक कंसिडरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज रेंट, अंडर विच द टेनेंट हैज द टेम्पररी पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज द लैंडलॉर्ड हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द टेनेंट हु इज टेकिंग सच प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। नाउ फायदे क्या हैं एक रेंट एग्रीमेंट के? एक रेंट एग्रीमेंट के ये फायदे हैं कि द स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर विच द रेंटल प्रॉपर्टी इज टेकन फॉर रेंट इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। कल को कोई अगर आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं बना, आपकी स्टार्टिंग में बात होती है कि आपका रेंट फाइनलाइज है 15,000। नाउ इफ देर इज नो स्पेसिफिक रेंट एग्रीमेंट, कल को आपका लैंडलॉर्ड आपको बोल सकता है कि उनके और आपके बीच ये बात हुई थी कि आपका रेंट तो भाई साहब 20,000 था, आप 15,000 कैसे बोल रहे हो? उस सिचुएशन में हमें रेंट एग्रीमेंट काम आता है बिकॉज उसमें स्पेसिफाइड होता है, दोनों पार्टी के सिग्नेचर होते हैं अलॉन्ग विथ विटनेसेस। देयरफॉर दिस इज द एडवांटेज ऑफ अ रेंटल एग्रीमेंट।